पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश, नई उमंग दिखाई दी। मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर सभी कांग्रेसी नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और राहुल प्रियंका की जमकर नारेबाजी कर जश्न मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नजर आए। सभी ने प्रियंका गांधी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बनने पर शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि अब एक नया बदलाव होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी एक जुझारू और कर्मठ नेता है जो कांग्रेस को और भी बुलंदियों पर ले जा सकती है। आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी द्वारा बहुप्रतीक्षित निर्णय लिया गया है, जिसका पूरे देश के कांग्रेसी भाइयों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। उनको धन्यवाद देने का काम हम लोग कर रहे हैं। पहला ये है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें और 75 जिले लगते हैं, तो माननीय राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र की कमान माननीय प्रियंका गांधी जी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर दी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी माननीय ज्योतिराव सिंधिया जी को दी है। हम सब लोग जो है जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उपस्थित हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अन्य दलों से कम आंका जा रहा था, उसकी निसंदेह क्षतिपूर्ति यहाँ पर हो रही है। और माननीय राहुल गांधी जी का जो मिशन है कि 2019 का चुनाव हम जीत कर रहेंगे, तो इसमें उत्तर प्रदेश अब अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। और हम लोग जो है 2009 में जो 22 सीटें हम लोगों ने जीती थी, मैं समझ रहा हूँ कि अब हम इस स्थिति में पहुँचेंगे कि कम से कम 50 सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय होगी। और एक बार पुनः मैं माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद अदा करता हूँ और माननीय प्रियंका गांधी जी को और माननीय ज्योतिराव सिंधिया जी को बधाई देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और 2019 के चुनाव में हर सीट पर जो है नेक टू नेक लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। अब हम लोगों को इस बात का सोचना नहीं है कि हमारी लीडरशिप आगे क्या करने वाली है। लीडरशिप ने अपना दायित्व हम लोगों को सौंप दिया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से जो है गले से एक दूसरे से मिलते हुए हाथ से हाथ बढ़ाते हुए और पार्टी को जो है लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद में मैं खास तौर से जो है जीतने का काम करूँगा। ये मेरी हम सब लोगों की मंशा है।